सरोकार। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति बनने के बाद होगा पहला आधिकारिक दौरा। हरदोई में बच्चों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी, संगोष्ठी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। कानपुर में नौकरी के बहाने महंगाई भीख, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में चलती बस के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार, चपेट में आए कई यात्री। फरीदाबाद में विश्व की पहली दिव्यांग माउंटेनर अरुणिमा सिन्हा ने बच्चे को दिया जन्म, मां बनने के बाद जताई खुशी। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही डेंगू के प्रकोप पर और खराब स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर समय रहते बचाव कार्य ना किया जाए तो कोरोना से बड़ा खतरा डेंगू बन सकता है। इस मौके पर कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और कई वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, वो है डेंगू और स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में सबसे खराब स्थिति में है। हर जगह अस्पताल भरे पड़े हैं डेंगू के कारण, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। अभी हाल ही में मैं झांसी में था, अस्पताल गया, वार्ड के वार्ड भरे पड़े हैं, कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। अगर यही हाल रहा तो ये डेंगू कहीं कोरोना से बड़ी बीमारी साबित ना हो, इसके लिए आपके माध्यम से सरकार के नाक कान खोलना चाहते हैं। अगर सरकार के अंदर जरा भी कहीं संवेदना है मानव जीव के लिए, तो उन्हें तत्काल इस बीमारी को महाबीमारी ना बनने दें, और जो भी डेंगू के लिए रोकथाम किए जा सकते हैं अगर करने में सफल होंगे तो ये मानव जाति पर एक बड़ा सरकार का एहसान होगा। जनेश्वर एनक्लेव के निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी देवेंद्र मोदी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर फ्लैट के मेंटेनेंस कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि साल 2022 में 1 करोड़ रुपए की लागत में इसे खरीदा है, तो वहीं अब किचन की छत से पानी टपक रहा है, जिसकी शिकायत कई बार लखनऊ विकास प्राधिकरण से की, पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। फ्लैट आवंटी ने सृष्टि अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी विवेक शर्मा से शिकायत की, जिन्होंने तत्काल लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचकर शिकायत दर्ज कर ली है। मैंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के जानकीपुरम सेक्टर जे में जैनेश्वर अपार्टमेंट है, जिसमें C503 मैंने लगभग 1 करोड़ खर्च करके खरीदा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच के आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड केवल गेट पर अवेलेबल रहता है। सिक्योरिटी की समस्या है, लिफ्ट खराब हो जाती है, बेसमेंट में कभी पाइप फट जाता है, पानी की समस्या है, मेरे बाथरूम में लीकेज हो रही है। 17 अक्टूबर से मैं मैनेजर को बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, NCG ने ये बनाया है, उनके मैनेजर को रिमाइंड करा रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और अभी 6 तारीख से तो मेरी किचन में पंखे से पानी टपकने लगा, नीचे बाल्टी रखी हुई है
और वो रेगुलर टपक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी शिकायत आपने लखनऊ विकास प्राधिकरण के किसी अभियंता से या लखनऊ वीसी से किया? लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं को मैं व्हाट्सएप पे कंप्लेंट भेज चुका हूँ, जिसमें बंसला जी को भी भेजी मैंने और नवनीत शर्मा जी को भी भेजी, एनसीसी के मैनेजर को भी नोट कराया, जो सर्विस प्रोवाइडर है मेंटेनेंस देखते हैं उनको भी मैंने वीडियो भी भेजी और कंप्लेंट भी नोट कराई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। विवेक शर्मा मेरे पुराने परिचित हैं, सृष्टि अपार्टमेंट में रहते हैं। जब मैं बहुत दुखी हो गया तो आज मैं इनके पास आया कि अगर आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए। तो अभी प्रमुख समस्या आपकी क्या है उस फ्लैट में? इस समय सबसे मेन समस्या तो है कि मेरी किचन से पंखे से पानी टपक रहा है। मैंने पंखा उतरवा दिया है जिससे कि फूक ना जाए, और शायद फूक भी गया हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन पंखा उतरवाने के बाद जो उसमें बिजली का वायर लटका हुआ है उसके थ्रू बूंद 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 पानी टपक रहा है, और मुझे डर है कि अगर कहीं अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। विश्व की पहली दिव्यांग माउंटेनर पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मां बनकर अरुणिमा सिन्हा बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि पर्वतारोही ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश में स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स में बहुत बदलाव हुए हैं, और सिविल अस्पताल में पूरे स्टाफ को उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वह जल्द ही अपने नए मिशन नॉर्थ और साउथ पोल फतेह करने की तैयारी में जुटेगी। कितना बोलते हो। जब यहाँ पे डॉक्टर विनय जी से बात हुई, सीएमओ हैं सर, उनसे मतलब कि आपकी के मीडिया किसी फ्रेंड के थ्रू बातचीत हुई थी, और उन्होंने कहा कि मैडम आप परेशान ना होइए, जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर प्रोनीता जी हैं, बहुत डिसेंट लेडी हैं, और अरुणिमा जी तो कहती हैं कि बछेंद्री पाल जी वो भी माउंटेन से रिलेटेड हैं, और डॉक्टर प्रोनीता जी आसाम से हैं, अगर लुकवाइज देखा जाए तो एक जैसा उनका वो है। उन्होंने इतना अच्छे से डील किया और इतना चैलेंजिंग केस को इतना हंसते हुए उन्होंने सब चीज़ों को आगे बढ़ाया। उनके साथ टीम में मेंबर थी डॉक्टर अरुणा जी, और पूरी टीम थी, मतलब कि कुछ लोगों के मैं नाम नहीं भी जान रहा हूँ। तो उन्होंने इतना अच्छे से डील किया और सब चीज़ों का इतने क्विक डिसीजंस लिए, और मतलब कि सारा का सारा एक्सपर्टी, हमें एक मिनट एक सेकंड के लिए ये नहीं लगा कि भाई हम कहीं गलत जगह आ गए। कि वो दिव्यांग हैं और माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर हैं, तो उनका जो है डबल लूप ऑफ कॉर्ड था, बच्चे की नेक में दो लूप थे, जिसमें कि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कभी भी बच्चे की धड़कन ख़राब हो सकती है, बच्चा अंदर लैटिन कर सकता है, और अचानक ही धड़कन ख़राब होके धीरे धीरे अचानक धड़कन ख़राब होके हमें कभी कभी टाइम भी नहीं मिल पाता सिजेरियन का। तो हमने उसकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस में सिजेरियन की तैयारी कर रखी थी, और उसको ये बोल भी रखा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी भावनाओं के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी कराने की, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम ऑपरेट कर देंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबको भी, आप इवन पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आप सबका है, कुछ ना कुछ है। और देखिए, एक्चुअली कौन कहता है कि आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करते, क्यों? क्योंकि हम किसी गलत फहमी के शिकार होते हैं मोस्टली। मैं बताऊँ, मैं प्राइवेट में ही पहले मैंने सारी चीज़ें कराई थी, हर किसी ने मुझे कहा एक गुस्से कि आपका सिजेरियन नहीं होगा। और लेकिन मैं बचपन से मैंने देखा, मेरी माँ खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, और उन्होंने जितना सरकारी हॉस्पिटल जितने, क्योंकि इनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, और बहुत अच्छे से चीज़ें अपना हर एक पेशेंट को वो वैल्यू देते हैं, वो जो शायद एक प्राइवेट नहीं देता। प्राइवेट के पास जितना एक बंदे के पास जितना पैसा है वो उतना वैल्यू उसको मिलता है, लेकिन सरकारी में ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए हमने एक सरकारी हॉस्पिटल चुना है, यहाँ के डॉक्टर से लेकर सारा स्टाफ। कानपुर में शर्मनाक करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस ने नौकरी के बहाने अगवा कर शारीरिक रूप से दिव्यांग करके बड़े बड़े शहरों में भीख मंगवाने वाले गिरोह को धर दबोचा है।
पुलिस ने गिरोह में महिला सदस्य समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ गैंग के कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बचे हुए साथियों को तलाश जारी है। देखिए, एक थाना नौबस्ता में एक मुकदमा पंजीकृत किया था 363/22, 323, 325, 326, 328, 342, 370, जिसमें एक मजरूह व्यक्ति जो है सुरेश मांझी है, जब वो थाने पे आए थे और भी लोग उनके साथ में आए थे, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उनको बेच के दिल्ली में उनसे भिक्षावृत्ति का कार्य कराया गया था। जब पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, हमने कई टीमें बनाई इसमें लोकल स्तर पे भी और दिल्ली के लिए भी, तो जो मुख्य अभियुक्त है विजय, और उसके द्वारा ये भी बताया गया कि जो राज है, राज ही वहाँ पे रहता था, तो राज और राज की माँ, इन दोनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन ने नगर निगम निकाय चुनाव 2022 को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने जिला मुख्यालय के सभागार में छूटे हुए मतदाताओं की जानकारी दी, तो वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में मतदान स्थलों पर बैठक कर मतदान सूची पर कार्य कर रहे हैं। एक एक देश के आधार पर स्पेशल इवेंट शुरू हुआ है, आज उसी की पहली बैठक थी और उसमें ये सभी पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध किया गया कि ये सभी बूथ लेवल अधिकारियों के साथ अपनी बूथ लेवल अफसर नियुक्त करें, जिससे कि हर बूथ पे बीएलओ और बीएलए का सामंजस्य बन जाए और उनको बूथ की समस्याएं बूथ पे ही हल हो जाए। ये कार्यक्रम हमारा आज 9 नवंबर शुरू होकर 8 दिसंबर तक हम दावापत्र लेंगे। 26 दिसंबर को तक हमें दावापत्र का निर्धारण करना है और 5 जनवरी का प्रकाशन है। ये हम जो दावे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले रहे हैं। अलीगढ़ में क्षेत्र के पटवारी नंगला में भू माफिया सक्रिय होने से जमीनी विवाद बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। यही कारण है हर रोज जमीनी विवाद में तरह तरह के मामले सामने आते हैं। कई लोग जमीनी विवाद में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन जमीनी विवादों को लेकर सतर्क नजर नहीं आता। मेरे एक प्लॉट पर लोग कब्जा करना चाहते हैं एक फर्जी बैनामा कराने के बाद। मेरे पास में सारे कागज हैं, सारी अधिकारियों की जांच है, सारी जांच हो गई है, लेकिन वहाँ चौकी इंचार्ज दरोगा किसी बात सुनने के नहीं, मेरे कागज भी नहीं सुने और मुझे अभद्र भाषा का भी कभी इस्तेमाल करता है। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? वह है राम वृक्ष यादव। ये नगला पटवारी क्वारसी क्षेत्र में आता है। अलीगढ़ में छैरत के जनता इंटर कॉलेज में छात्रों से अवैध वसूली करने वाले प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता जिला निरीक्षक अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, साथ ही आरोपी प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग की है। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला विद्यालय निरीक्षक सुरेंद्र गौतम पर प्रधानाचार्य का पक्षपात करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया है। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी है, तो उन्होंने मुझे 1 घंटे का वीडियो दिया जिसमें हाई स्कूल और इंटर के बच्चे जो भी पास होते हैं उनके लिए मार्कशीट स्कूल से निःशुल्क दी जाती है, लेकिन उस वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है कि उस मार्कशीट को लेकर भी जनता इंटर कॉलेज छेरत का एक कर्मचारी अवैध उगाही कर रहा है और पैसे इकट्ठे कर रहा है। हम इन्हीं की शिकायत लेकर आज यहाँ आए थे, तो इन्होंने कहा कि आप तो ऐसे ही बकते रहते हैं, ये एक टीचर की एक DIOS की मर्यादित भाषा है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार अभद्रता बदतमीजी कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर एक आम नागरिक अगर इनके ऑफिस में आएगा क्या घुस पाएगा, क्या अपनी बात को रख पाएगा, क्या अपनी समस्या का यहाँ निस्तारण कर पाएगा? जनता इंटर कॉलेज छेरत की भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी के द्वारा एक शिकायत की गई थी अवैध वसूली की, उस पर जांच समिति लगा दी गई है, जांच चल रही है, रिपोर्ट आ जाएगी। उनके द्वारा सर आपके द्वारा जांच में ये कहा गया था कि जो टीचर्स में आरोपी है उनको इसको कॉलेज जाने से रोक दिया जाएगा, तो फिर भी जा रहे हैं और पैसे लेने की वसूली का मामला भी सामने आया। हाँ, उसी की जांच हो रही है सर। कब तक जांच रहेगी? हो जाएगी।
बलरामपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसने चार दिन पहले लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनमोहनी गांव में निवासी एक युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया और मोटरसाइकिल भी छीन ली। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने घेराबंदी करके दो बदमाशों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और एक बदमाश अभी भी फरार है। बैरही पुल के पास जो कि थाना कोतवाली देहात में है, दीपेंद्र मिश्रा जी से एक मोटरसाइकिल पल्सर तीन बदमाशों द्वारा लूट ली गई थी। इस घटना के अनावरण में हमने CHT के नेतृत्व में हमारी थाना की टीम और स्वाट टीम लगी हुई थी, सर्विलांस के लोग भी लगे हुए थे और इस सूचना पर कल रात एक पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें दो बदमाश, एक बदमाश उसमें गिरफ्तार हुआ और एक पार्क में उसके निशानदेही भी गिरफ्तार हुआ। एक बदमाश भागा है और इनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वह भी बरामद हुई है। खबर देवरिया से है, जहां कुछ दिन पहले उदयपुर के आम के बगीचों में अज्ञात लोगों ने लाख से अधिक लूट की घटना को अंजाम दिया। थानाध्यक्ष बरियापुर सुभाष चंद्र पांडे ने लूट की घटना में शामिल सभी सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूट की रकम, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। थानाध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। फरुखाबाद में भोलेपुर खंड कार्यालय में बिजली विभाग के संवेद कर्मी दो दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आपको बता दें कि तीन महीने से कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। वहीं जब एक कर्मचारी वेतन मांगने गया तो अधीक्षण अभियंता ने फटकार लगा दी, जिसके बाद नाराज संविदा कर्मी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास भी किया, जिसके बाद आनन फानन में संविदा कर्मी लोगों ने CHC में भर्ती कराया। इस घटना में संवेदना कर्मियों में हड़कंप मच गया। चार महीने हो गए सैलरी नहीं मिली। कितनी सैलरी है? 8,000। आज क्या किया? आज कुछ सैलरी में बैठे थे फिर उसके बाद हम मांगने गए सैलरी, तुमने फिर हम कह तुम जाओ घर जाओ घर जाओ हटाओ। अच्छा, नहीं फिर डाला क्या? फिर मैं पेट्रोल डाल लिया, फिर जलाने जलाए साथियों ने बचा लिया, मैं इनने बचा लिया उनने बचा लिया। फिर हम लेकिन एक बार और पेट्रोल लगाएंगे, जब तक सैलरी नहीं मिलेगी फिर हम पेट्रोल और डालेंगे, दोबारा डालेंगे, एक बार तीन बार पेट्रोल डालेंगे, जब तक नहीं हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम ये बैठे रहेंगे। हमीरपुर जिले में संचालित दो पेयजल परियोजनाओं का प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया, कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हरियोलीपुर और पतियोरा डंडा समूह पेयजल का 100% काम कराकर दिसंबर तक 148 गांव में पानी पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप पूरे बुंदेलखंड में सभी गांवों में घर घर जल पानी जाता है। उसी के तहत ये भी आपके जिले में दो ही परियोजनाएं हैं, एक ये और दो से पूरा जिला का बात हुआ। यार ये मोबाइल कॉल तो कार्य की प्रगति काफ़ी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं अभी हम और निरीक्षण करेंगे पर मुझे लगता है समय से यहाँ पानी दे देंगे। कब तक पहुंचेगा, कितने गांव में पहुंचेगा? दिसंबर तक 100%। दिसंबर तक 100%। हरदोई की महिला अस्पताल में आए दिन नई घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी डॉक्टरों की मनमानी से टाके पक जाते हैं तो कभी आशा बहुओं के जरिए मरीजों को अन्य अस्पताल में ट्रांसफर किया जाता है। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है जिसमें शाहबाबाद के एक युवक ने अपनी बेटी को महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके परिजनों को अस्पताल में आशा बहू मिली, जिन्होंने परिजनों को भ्रमित किया और दूसरी जगह भर्ती कराने के लिए कहा, जिसके बाद महिला को सही इलाज ना मिलने के चलते महिला की मौत हो गई, जिस पर पुलिस की ओर से अस्पताल को सीज कराने की भी बात कही जा रही है। शाहबाद में लड़की भर्ती थी, 11 बजे रात को हरदोई ले आया सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में 2-3 घंटा रही, बिटिया परेशान ज्यादा हुई, कोई डॉक्टर आया ना कि डॉक्टर, आप हफ्ता में ऑपरेशन होता डेली होता नहीं यहाँ, कि डॉक्टर यहाँ कोई है नहीं,
वो माधुरी थी और एक ममता थी, एक माधुरी एक ममता दो ही लोग थे और कोई था नहीं वहाँ। तो कहाँ डॉक्टर, यहाँ हफ्ते में एक बार ऑपरेशन होता है, इनकी इलाज नहीं हो पाएगी यहाँ। तो सुबह बिटिया ज़्यादा परेशान हुई तो बिटिया को वो कोई सी डी ओ बना के सामने कोई अस्पताल है, हम चाय पीने चले आए 3 बजे रात को। चले हमारी वाइफ को वो तीन थी लेडीज है, वो तीन लेडीज है वहाँ भर्ती करा दिया जाके। तो हम गए तुरंत भाग के वहाँ गए, मालूम हुआ वो क्यों अस्पताल वहाँ ले गए। हमने कहा बालाजी ले जाते वहाँ क्यों ले गए, सब लोग हम लोग चले फिरे आदमी। तो वहाँ जब पहुँचे तो 3 घंटा तक लड़की को अंदर ऑपरेशन कर दिया। और कहीं डॉक्टर की बिटिया ख़राब है, ट्रामा सेंटर के डॉक्टर आते हैं ऑपरेशन करने, वो सीतापुर रोड पर है, वहाँ से आ रहे हैं अभी करेंगे ऑपरेशन। बिटिया चिल्लाती रही, उनने डॉक्टर आए, उनने इंजेक्शन लगा दिया और आध घंटा तक तब भी नहीं अंदर हमको घुसने दिया। यहाँ पे चिकित्सालय में जब से मैं आया हूँ कोई भी स्टाफ या डॉक्टर या पैरामेडिकल कोई भी नहीं है, ना ही कोई पेपर ऊपर देखने को मिले हैं, तो उसकी जानकारी नहीं हो पाई कि क्या ऑपरेशन है। इसके अलावा मैंने अन्य 3 मरीज हैं जो कि तीनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही आए हैं यहाँ और आशाओं द्वारा लाए गए, तो इनसे बात की, इनके भी सीजरियन सेक्शन हुआ है। हालांकि मरीज तीनों स्टेबल हैं और तीनों बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं है अभी, हम मैं देखता हूं, नहीं तो फिर इन मरीजों को फिर जिला अस्पताल शिफ्ट करेंगे। कुशीनगर में 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा पर सिंगला जुगवा में श्रद्धालुओं का छोटी गंडक नदी में स्नान कराने के लिए तांता लगा रहा, जहां ग्राम प्रधान सुनील राजभर ने मेले को सजाने और सवारने का काम किया। मेले में आए सभी श्रद्धालुओं ने उनकी जमकर तारीफ की। ठहरने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर ग्राम प्रधान और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। इस मेले में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे कुश्ती हो रहा था, ये कब से आयोजन किया जाता है? सर, ये कुश्ती जो हो रहा था हमारे यहाँ विगत वर्षों से, बहुत पहले से ये आयोजन चला रहा है, क्योंकि मेला हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ काली का स्थान है, नदी तट के किनारे वहीं पे एक मेला लगता है और बहुत भारी 3 रात का प्रोग्राम होता है, जो कि दूर दूर से नहाने के लिए माँ बहने भाई बहन सब लोग आते हैं, रात भर आते हैं और सुबह नहाकर अपना मेला वाला कर कर चले जाते हैं और दोपहर से दंगल का आयोजन किया जाता है। संभल में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद की है। तो वहीं चोरों के पास से पुलिस को 3 तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके का है। कोतवाली संभल पुलिस द्वारा कल रात की चेकिंग के दौरान वाहन चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी बुलबुली मस्जिद शमशान घाट गेट के पास से हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से उनकी निशानदेही से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम कामिल पुत्र नासिर निवासी मोहल्ला फतेहउल्ला कोतवाली संभल एवं अनीश पुत्र रहीश निवासी चौधरी सराय कोतवाली संभल तथा मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी कोतवाली संभल क्षेत्र हैं। इन अभियुक्तों के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां उप जिलाधिकारी महमूदाबाद सरकारी धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गल्ला मंडी में सरकार द्वारा किसानों के धान खरीदी के लिए 8 क्रय केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 6 क्रय केंद्र संचालित हैं और 2 केंद्र फिलहाल बंद बताए जा रहे हैं। खाद और रसद विभाग ने संचालित क्रय केंद्र प्रभारी से खरीदने, धान और भुगतान के बारे में जानकारी ली। अलीगढ़ में साकरा आलमपुर चौराहे पर एक भीषण हादसा हो गया। आपको बता दें कि चलती बस के ऊपर हाईटेंशन तार गिर गया। बस में बैठे सभी यात्री तार की चपेट में आ गए। चपेट में आए यात्रियों को CHC में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही महापौर मोहम्मद फुरकान घायलों का हालचाल जानने और बेहतर इलाज के लिए CHC पहुंचे। लाइट पर पेंट लग गया। तो प्राइवेट बस में थे आप? हाँ, प्राइवेट में थे बाबू। तो किससे टकराई बस? लाइट मतलब बस में, प्राइवेट में पेंट लग गया। बस में थे सारे लोग? हाँ, बस आते। तो
तो बस में क्या हुआ, आग भी लगी है? हाँ, आग लगी साहब बस में। हाँ बस में। तो क्या 11 की लाइन से टकराई है? हाँ जी। थाना दादाओं क्षेत्र में एक बस जो महोबा से जनपद अलीगढ़ आ रही थी, जिसमें भट्टे के लेबर थे, यहाँ पर दालों के पास आलमपुर चौराहा में एक हाई टेंशन वायर की चपेट में बस आ गई है, जिसमें जो अंदर मौजूद यात्री थे तो वो झुलस गए। टोटल 13 लोग यहाँ CSC आए थे, जिनमें 8 का उपचार यहाँ पर हो रहा है, बाकी 5 लोगों को दीनदयाल अस्पताल जनपद अलीगढ़ में रेफर कर दिया गया है। चौराहा है वहाँ, उसके करीब जो सांकरा से लोग बस आ रही थी उसमें आग लगी और उसकी वजह से ये झुलस गए। एक की ज़्यादा सीट है, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए आया था कि पूरा इंतज़ाम देखूँ और उस वक्त मैं मेडिकल जा रहा हूँ, सब ठीक होगा। और अफसोस की बात है, गरीब लोग हैं, अपना पेट पालने के लिए आए और यहाँ इस हादसे में। मैं यही पूछने आया था, कोई ज़रूरत हो, मेरे लिए ज़रूरत हो, यूनिवर्सिटी में ज़रूरत हो तो मदद करें। उन्होंने कहा यहाँ तो ठीक है, जो जिनकी सीरियस हालत है वहाँ मेडिकल। खबर औरैया से है, जहां सदर ब्लॉक के गांव जलोखर में कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों की आय दोगुनी करने के तरीके बताए। आपको बता दें कि शिविर में उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि शासन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही कहा कि किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने किसान से किसी भी दशा में पराली ना जलाने की अपील भी की। इस मौके पर कंपनी के संचालक अनिल शर्मा समेत कई किसान मौजूद रहे। एक बीघा खेत था और उस हिसाब से जिस हिसाब से उसमें मतलब खाद या मतलब अन्य चीज़ें जो दी गई हैं, पोटाश की मात्रा या DAP की मात्रा या यूरिया की मात्रा, उसकी जानकारी मतलब सामने खुद मतलब जो बताई कि इतनी पड़ी है और उसका एवरेज मतलब 10x10 काट के दिखाया गया। किसानों को किस तरीके से धान की खेती में ज़्यादा पैदावार जो है वो मिल पाए, जो हमें यहाँ पे हमने 27x37 बीज लगवाया है पाइनियर का, जिसमें हमने यहाँ पे कटवा के किसानों को दिखाया है कि 10x10 का क्षेत्रफल कटवाया है और 10x10 अन्य भी धान कटवाया है, उनसे किस तरीके से दोनों में तुलना करी है, वजन में किस तरीके से दोनों में पैदावार में पाइनियर का 27x37 विजय रहा है अन्य के मुकाबले, वो चीज़ें यहाँ पर आपने दिखाई हैं। जो धान लगा हुआ है पाइनियर का 27x37, ये बहुत ही अच्छी किस्म है और मैं इसका करीब 22 वर्षों से काम कर रहा हूँ। पानियर के किसी भी आइटम में आज तक कोई शिकायत नहीं आई है और ये धान 27x37 किसानों के लिए एक जान फूंकने वाला ब्रांड है, जो हमारे समझ में ये आगे आने वाले समय में किसानों के लिए माला माल करने वाली फसल के लिए तैयारी। प्रदेश भर में जहां एक और यातायात माह मनाया जा रहा है और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, तो वहीं हरदोई में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात अभिषेक पटेल लग्जरी कार पर नीली और लाल बत्ती का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही अफसरशाही को खत्म कर दिया है, इसके बावजूद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नीली बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं। देखना यह है कि यातायात अधिकारी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पर क्या कार्रवाई करेंगे। हरदोई में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बच्चों की तरफ से जिंदगी ना मिलने दोबारा थीम के तहत यातायात के संकेत चिन्ह और उनके अर्थ पोस्टर पर उकेरे गए। बिना हेलमेट शराब पीकर तेज वाहन ना चलाने की अपील भी की गई। छात्राओं ने यातायात नियमों के पालन के लिए संगीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर TI अनिल कुमार यादव, RTO संजीव कुमार सिंह और विद्यालय प्रबंधक अखिलेश सिंह ने बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। यातायात माह जो चल रहा है नवंबर मनाया जाता है, इसके क्रम में हम लोगों के द्वारा जो है वो सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों में संस्थाओं में किया जाता है। आज अखिलेश जी के निमंत्रण पर जो है यहाँ डाल सिंह मॉडल स्कूल में बच्चों को सड़क सुरक्षा जागरूकता नियमों का प्रचार प्रसार एवं उनको कैसे जागरूक करना, अवेयर करना है अपने घर वालों को लेकर और उनको खुद को लेकर पैदल चलने को लेकर इस संबंध में विस्तृत बातें की गई। कुशवाहानगर में पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान चलाया। सूचना पर पहुंची थाना कसिया और साइबर टीम ने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही उनके पास से एटीएम मशीन से संबंधित कुछ सामान और एटीएम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड समेत मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत साइबर सेल और सर्विलांस सेल ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एटीएम के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जॉन शाशी है। ये मूलतः दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक विभिन्न शहरों पर इसने एटीएम के माध्यम से अलग अलग जगहों पर फ्रॉड किया है। इसके पास से एक POS मशीन बरामद की गई है, एटीएम स्केचर बरामद किया गया है, 22,000 रुपये बरामद किए गए हैं, एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। इसके अलावा जो 1.5 लाख रुपए इसने अभी हाल फिलहाल में गोरखपुर में एक स्थान से फ्रॉड किया था, उसको बैंक में होल्ड करा दिया गया है। इसके पास से कई फर्जी सिम कार्ड और आईडेंटिटी कार्ड भी बरामद किए गए हैं। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक ने धवल जायसवाल के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने आभूषण समेत नगदी भी बरामद की है। औरंगिया के अंतर्गत एक व्यक्ति के यहाँ 5 तारीख को ज्वेलरी की चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस द्वारा इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो भी आभूषण गए हुए थे उस पूर्णतः आभूषण को बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। सुल्तानपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अन्य बच्चों की तरह ही दिव्यांगों को भी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस मौके पर सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश श्रीमती ऋषभ वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा। दिव्यांग छात्रों की आकर्षक प्रस्तुति पर मुख्य अतिथि ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हमारे दिव्यांग जो बच्चे हैं उन्हीं का समावेशी कार्यशाला का आयोजन है, जिसके लिए हमारे महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसमें अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी को नामित करते हुए निर्देश दिया गया था कि उनके द्वारा समय लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। तो मेरे द्वारा जो है मुख्य विकास अधिकारी से समय लिया गया, जिसमें उन्होंने आज की डेट समय दिया और उस समय के अंतर्गत हमारे जनपद में सारे हमारे स्पेशल एजुकेटर ARP SRG सारे लोग उपस्थित रहे उस निर्देश क्रम में और हमारी जो कार्यशाला थी उस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। गाजियाबाद में पुलिस ने अगवा हुए कारोबारियों के बेटे को 24 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया है। इस दौरान पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली भी लगी है। इसके बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया। 3 साल के बच्चे है, मामला है, हम अभी जनपद में अभी भी कई घटना हुआ था, इसलिए हम लोग बच्चे के मामले में थोड़ा ज्यादा सेंसिटिविटी रहता हम लोग। तुरंत हमने पूरा टीम का लगा दिया, मेरा पास सूचना मिलते तुरंत सेंसिटिविटी हुआ, तुरंत हमने CCTV फुटेज चारों तरफ ढूंढा है और आसपास लड़के के आसपास लोग से भी उन्होंने पड़ोसी का भी सबका प्रोफाइल भी जांच करने के लिए मैंने टीम को बताया था, वो भी जांच से हो गया, सब चीज़ हुआ और उसके बाद हम लोग कॉल आना शुरू हुआ तुरंत, इसलिए हम लोग तुरंत हम लोग उनको गिरफ्तार कर लिया। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस।